नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस स्पेशल शो में जिसका नाम है शख्सियत, यानी जिक्र हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुई उन अजीम हस्तियों का जिन्होंने संघर्ष के सफर पर चलकर कामयाबी का ऐसा मुकाम हासिल किया कि उनका नाम तारीख में दर्ज हो गया। साथियों, मैं हूं आपका होस्ट जुबैर खान। शख्सियत की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्रियों की, जिसमें आज जिक्र उस प्रधानमंत्री का जिनको महज 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, जो कि आज तक भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश मिलने की वजह से जिस प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान में पीढ़ीगत बदलाव का अग्रदूत कहा गया, जिस प्रधानमंत्री की मां 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तब वो उनसे उम्र में महज 8 साल बड़ी थी, जिनके नाना ने 58 साल की उम्र में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और करीब 17 साल तक देश के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भारत की बागडोर संभाली। जिस प्रधानमंत्री ने अपनी मां की हत्या के शोक से उबरने के बाद लोकसभा चुनाव कराने का आदेश दिया, उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में वोट ज्यादा अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की। आखिर कौन थी वो महान शख्सियत? वो थे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती, यानी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। ১৯৮৪ में राजीव गांधी ने अपनी जवानी में 70 करोड़ भारतीयों के नेता के रूप में जिस तरह की शानदार शुरुआत की, उसके बारे में किसी और ने तो क्या, खुद राजीव गांधी ने भी नहीं सोचा था। यह इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि राजीव गांधी उस सियासी खानदान से ताल्लुक रखते थे जिसकी 4 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और इसके बाद भारत की सेवा की थी। इसके बावजूद राजीव गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री को लेकर जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन न चाहते हुए भी उनको राजनीति में कदम रखना पड़ा। खैर, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को उस वक्त के बंबई में हुआ था। ये शायद इत्तेफाक ही था कि जिस वक्त राजीव गांधी की पैदाइश हुई थी उस वक्त उनके नाना जवाहरलाल नेहरू अपनी 9वीं और अंतिम जेल यात्रा पर थे। उनकी मां इंदिरा गांधी गालिबन 15 महीने पहले ही जेल से रिहा हुई थी। उनके पिता फिरोज जहांगीर गांधी 1 साल पहले ही जेल से बाहर आए थे। वे उस दौर में सिर्फ 3 साल के थे जब भारत अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी की जंजीरों से आजाद हो। राजीव गांधी कहा करते थे कि अपने पिता फिरोज गांधी से उनको अपना काम खुद करो की नायाब सीख मिली, तो नाना जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने आराम हराम है की प्रेरणा ली। राजीव गांधी कुछ समय के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में मौजूद दून स्कूल में भेज दिया गया। वहां उनके कई मित्र बने जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बरकरार रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की। स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वो वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में ही उनकी मुलाकात इटालियन लेडी एंटोनियो मैनो यानी सोनिया से हुई थी, जो उस वक्त वहां इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी। दोनों में प्यार और इकरार के बाद 1968 में नई दिल्ली में इन्होंने शादी कर ली। राजीव गांधी 21 साल की उम्र में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए और यही वक्त था जब सोनिया गांधी इटली से ट्रिनिटी पहुंची हुई थी। एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था, लैंग्वेज के कॉलेज, और वो इंग्लिश सीखने के लिए आई हुई थी।
एक दिन राजीव गांधी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। उसी दौरान उनका एक मित्र था क्रिस्टियानो, वो इटालियन था। वो राजीव गांधी के साथ उसी रेस्टोरेंट में आया। सोनिया गांधी पहले से वहां बैठी हुई थी। उन्होंने परिचय कराया कि सोनिया, मीट माय फ्रेंड एंड ही इज राजीव फ्रॉम इंडिया। तो इस तरीके से राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। पहली नजर में सोनिया गांधी राजीव गांधी को पसंद आ गई। मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और बात शादी तक आ गई। इसके बाद 1968 में सोनिया गांधी को लेकर राजीव गांधी भारत आ गए, लेकिन सोनिया गांधी के परिवार का कोई व्यक्ति था नहीं। अब शादी कैसे हो? हिंदू परंपरा रीति रिवाज के मुताबिक लड़की कन्यादान तो होना चाहिए। तो अमिताभ बच्चन ने अपने माता पिता को ये कहा, हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को, कि जब कोई नहीं है तो पिताजी आप ही कन्यादान कर दीजिए सोनिया गांधी का। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन से ही, तो दोनों परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत नजदीकी संबंध थे, नेहरू परिवार और बच्चन परिवार। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, बच्चन साहब सोनिया गांधी का कन्यादान कर देंगे। तो हरिवंश राय बच्चन ने शादी राजीव गांधी सोनिया गांधी की जब हुई तो सोनिया गांधी का कन्यादान किया। और इस तरीके से भारत में राजीव गांधी सोनिया गांधी सात फेरों के बंधन में बंध गए। राजीव अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली में माँ इंदिरा गांधी के साथ तीन मूर्ति हाउस में भी रहे। आसपास सियासी गतिविधियों की ऐसी हलचल के बावजूद वो अपना निजी जीवन जीते रहे। यानी ये तो राजीव की पढ़ाई के दौरान ही साफ हो चुका था कि राजनीति में अपना करियर बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनके क्लासमेट्स के मुताबिक उनके पास फिलॉसफी, पॉलिटिक्स या हिस्ट्री से संबंधित किताबें ना होकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स हुआ करती थी। हालांकि राजीव गांधी के करीबी इस बात का दावा करते हैं कि उनको संगीत से भी खासा लगाव था। उन्हें वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और आधुनिक संगीत भी पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी और रेडियो सुनने का भी गजब का शौक था। और इन सब से भी आगे हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की और कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया। जल्द ही वो घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने तमाम परिस्थितियां बदल कर रख दी। उन पर सियासत में कदम रखने और अपनी मां को राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का दबाव बन गया। इसके अलावा फिर कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी उनके सामने आ गई। पहले उन्होंने इन दबावों पर जमकर एतराज किया, लेकिन बाद में वो उनके जरिए दिए गए तर्कों और दलीलों से सहमत हो गए। उन्होंने अपने भाई संजय गांधी की मौत की वजह से खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव जीता। सियासी जानकार बताते हैं कि अगर 4 साल पहले संजय गांधी की एक हादसे में जान ना गई होती तो बेलाग लपेट वो ही कांग्रेस के असली राजनीतिक वारिस साबित होते और देश की तकदीर के भविष्य की बागडोर भी उन्हीं के हाथों में रहती। राजीव गांधी कतई राजनीति में नहीं आना चाहते थे। वो एक पायलट थे और एक जैसे नौकरी करते हैं बाकायदा उस तरह से, दिल्ली से खास करके भोपाल एयरलाइंस में उनकी नौकरी थी और पायलट के रूप में वो मध्यमवर्गीय अपना जीवन जीना चाहते थे। और इवन सोनिया गांधी भी आखिर तक उनके पक्ष में नहीं थी कि वो राजनीति में आए। इंदिरा गांधी जब सत्ता के बाहर थी तब भी उन्होंने कोई उस पर रुचि नहीं ली, संजय गांधी ने वो काम किया। लेकिन हाँ, संजय गांधी के निधन के बाद कई जो वेलविशर हैं, परिवार के मित्र हैं, परिजन हैं और कई ऐसे उद्योगपति भी रहे जिन्होंने जाकर के उनको परसू किया, समझाया कि माताजी की मदद करना चाहिए, इसलिए वो फिर राजनीति में आए, सांसद बने। और लेकिन उनकी ये फिर भी कोई बड़ी तमन्ना ये नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कोशिश उनकी ये थी कि मैं समाज की काम, राजनीतिक काम भी करूं तो उसमें कैसे युवा पीढ़ी को साथ लेकर के आगे बढ़ सकूं। तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि वो राजनीति में आने के लिए कोई बड़े महत्वाकांक्षी थे। लेकिन कुदरत के लिखे फैसलों को आखिर कौन टाल सका है? नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, स्टेडियम के निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सालों पहले किए गए वादों को उन्होंने करीने से पूरा किया था। दरअसल राजीव गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तमाम काम समय पर मुकम्मल हो सके
और ये सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी रुकावट और खामियों के खेलों का आयोजन किया जा सके। उन्होंने अपने स्किल्स और मेंटल एबिलिटी का फायदा उठाते हुए इस चुनौतीपूर्ण काम को वक्त रहते पूरा कर दिया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1982 के नवंबर दिसंबर के बीच में एशियन गेम्स भारत में आयोजित किए गए और उसके आयोजन का जिम्मा राजीव गांधी को दिया गया। बहुत ही सफल कामयाब आयोजन था। भारत में बड़े खेलों के आयोजन का जब भी जिक्र होता है तो 1982 के एशियाई खेलों का जिक्र जरूर होता है और उसके सफल आयोजन का एक बड़ा श्रेय राजीव गांधी को जाता है क्योंकि वहां के सारे इंतजाम राजीव गांधी के जिम्मे ही थे और जिस सफाई के साथ, बिना किसी दिक्कत के, जिस व्यवस्था के साथ वो पूरा खेल आयोजित हुआ उसके लिए राजीव गांधी को बार बार खेल की दुनिया से जुड़े लोग भी बधाई देते हैं। इसी बीच कांग्रेस के महासचिव के रूप में उन्होंने उसी संजीदगी से काम करते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर आया 31 अक्टूबर 1984 जब नेहरू गांधी परिवार पर दुखों का मानो पहाड़ टूट पड़ा। इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी जिसके बाद राजीव गांधी पूरी तरह से टूट गए। लेकिन परिवार को बिखरने से बचाने के लिए उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया और आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्र के नाम संदेश दिया और वो ऐसे हालात में कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का क्यों पॉलिटिक्स में आना थोड़ा सा इत्तेफाक है क्योंकि वो तो पहले तो वो तो पायलट थे और पॉलिटिक्स में आने का कोई उनका चांस भी नहीं था और इच्छा भी नहीं था। संजय गांधी, इंदिरा गांधी ने पूरा ग्रूम कर रहे थे संजय गांधी को और जैसा हिस्ट्री बताते हैं, हम लोगों को भी पता है कि 1975 का इमरजेंसी में संजय गांधी का बड़ा सा रोल था। लेकिन व्हाट हैपेंड उसके बाद, बाद में जब संजय गांधी का डेथ हो गया तो इसीलिए संजय गांधी के डेथ के बाद राजीव गांधी को इंदिरा गांधी ने पॉलिटिक्स में ले आया। इंदिरा गांधी का जब हत्या हुई वो हुआ 1984 का अक्टूबर 30th, 30 अक्टूबर उनका हत्या हुई। उस टाइम बहुत सारे लोगों को जैसे पता है उस टाइम क्या हुआ था, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा शुरू हुआ था। और जैसे हुआ था, प्रणब मुखर्जी सबसे उस टाइम पे सबसे सीनियर लीडर थे तो प्रणब मुखर्जी ने सोचे थे उन्होंने कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और क्यों नहीं। एक्चुअली सबसे सीनियर लीडर उसके इंदिरा गांधी के बाद में ही था, लेकिन ऐसे बोला जाता कि राजीव गांधी ने ये सुन लिया था कि प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन एनीवे बाय द टाइम जब तक ये कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में थे ये लोग, तो जब तक ये दिल्ली पहुंच गए तब तक इन लोगों ने राजीव गांधी का नाम डिक्लेयर कर दिया। महीने भर के लंबे चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी ने देश के लगभग सभी भागों में जाकर 250 से ज्यादा सभाएं की और लाखों लोगों से आमने सामने मिले। मिजाज से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और फैसले लेने की असाधारण क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से लैस करना चाहते थे और जैसा कि वो बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके बाकी प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, जिस आधुनिक भारत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है, जिस भारत पर आज पूरी दुनिया की नजरें इनायत है, जिसे भविष्य की सुपर पावर कहा जा सकता है, इसके शिल्पकार कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी ही है। इसी तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने नए नए रास्ते दिखाकर भारत को विज्ञान के फ्रंटियर पर पहुंचाकर हमारी एक नई शक्ति बनाई है। चाहे पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट हो, चाहे अग्नि मिसाइल का टेस्ट हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो जिससे किसानों को मदद होती है, चाहे नई दवाइयां हो,
अलग अलग फील्ड में, विज्ञान की फील्ड में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ने नए रास्ते बनाए हैं गरीबी हटाने के लिए, बेकारी हटाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए। राजीव गांधी के टाइम पे दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। एक है कि कंप्यूटर ले आए वो, और वो जो रेवोल्यूशनरी जो चेंज आया इंडिया में, वाटरशेड मोमेंट था वो। उसके बाद से शुरू हुआ जो हमारे जो हम लोग डिजिटल रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ, या भी जो इंडिया जो कभी पहले जैसे यू नो पृथ्वी में वर्ल्ड में एक नंबर जैसा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट ये जो सब हो रहा है, इसकी शुरुआत हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे। और दूसरी बात, उनका फॉरेन रिलेशंस जो है उस टाइम पे काफी नजर देना शुरू हुआ। हाँ, उसके पहले इंदिरा गांधी भी कर रहे थे, हमारे फॉरेन रिलेशंस काफी दिन से वो ठीक है, वर्ल्ड पावर अगर ना भी हो लेकिन हम इम्पोर्टेंट पावर तो थे। लेकिन राजीव गांधी के टाइम पे हुआ क्या, चाइना के साथ काफी दोस्ती शुरू हुआ। उस टाइम पे यूएसए के साथ भी अच्छा रिश्ता हुआ, और एट द सेम टाइम सोवियत रशिया नॉन अलाइन मूवमेंट उसके साथ भी। तो इसीलिए ये दो जो है, एक कंप्यूटर डिजिटल इंडिया का पहला सीढ़ी जो है वो उस टाइम पे शुरू हुआ, और वर्ल्ड पावर के साथ इंडिया का इंटरेक्शन जो शुरू हुआ वो बढ़ना शुरू हुआ। और फिर आया 21 मई 1991, यानी राजीव गांधी की मौत का दिन। श्री पेरम्बदूर में लिट्टे द्वारा किए गए एक आत्मघाती बम विस्फोट में उनकी भी हत्या कर दी गई, और इस तरह अपने इकलौते भाई को, अपनी माँ को और अपने आप को भी राजीव गांधी ने हादसों में खो दिया। राजीव गांधी भारत को एक आधुनिक भारत के रूप में ही देखना चाहते थे। ये सही है कि सुपर पावर तो उस समय नहीं बन सके, लेकिन हाँ, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने के लिए उसका जो पहला इसको कदम कहना चाहिए, राजीव गांधी के समय में शुरू हुआ, जिसकी परिणति आगे हुई। तो राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, आधुनिक भारत कैसे बने उस दिशा में, और जिससे कि अत्यंतोगत्वा भारत सुपर पावर की श्रेणी में आ सके, ये सपना राजीव गांधी ने देखा था, जो धीरे धीरे कम से कम भविष्य में निश्चित रूप से साकार होता दिख रहा है। तो दोस्तों, शख्सियत के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली पेशकश में हम फिर बताएंगे आपको किसी और प्रधानमंत्री के कहे अनकहे, सुने अनसुने किस्से। और हाँ, आपके फीडबैक्स का हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतजार। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।